तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें, युद्ध की तैयारी में जुट गया पाकिस्तान। चीन से तनाव के बीच आज पाकिस्तान ने लद्दाख के नजदीक तैनात किए JF-17 फाइटर जेट। चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पर कभी भी कर सकते हमला, मोदी की बड़ी मुश्किलें। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको कि बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने किया बड़ा दावा, हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ करने से खत्म हो जाएगा कोरोना। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली हिंसा में पुलिस कर्मी पर तमंचा तानने वाले शाहरुख पठान को तिहाड़ जेल में लग रहा है डर, कहा मेरी जान को है जेल में खतरा, कभी भी कर सकते हैं मेरी मौत। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी की बड़ी मुश्किलें, लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ अभियान के तहत सोमवार को पूरे देश के राजभवनों के सामने धरना देगी कांग्रेस, कहा चुनी हुई सरकारों को गिरा रही है बीजेपी, घोटाले के पैसे से खरीद रही है कांग्रेस के विधायक। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, वहीं प्रियंका गांधी ने भी चिट्ठी लिखकर कोरोना पर साधा योगी पर हमला, कहा कोरोना को रोकने में योगी सरकार रही विफल, कोरोना की विफलता को छुपाने के लिए कर रही है राम मंदिर का निर्माण। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नेपाल से भी मोदी सरकार को लगा तगड़ा झटका, चीन की सा पर नेपाल भी बना रहा है भारत के खिलाफ बॉर्डर पर चौकी, तैनात 24 घंटे रहेगी नेपाली सुरक्षा बल, मोदी सरकार की बड़ी और मुश्किलें। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी को उद्धव ठाकरे ने दी सीधी चेतावनी, कहा दम है तो गिराए महाराष्ट्र में मेरी सरकार, फिर देखता हूं बीजेपी को। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान की जेल से क्यों नहीं हो रही है रिहाई, योगी सरकार ने रोक रखी है कफील खान की रिहाई, योगी सरकार नहीं चाहती डॉक्टर कफील खान आए जेल से बाहर। तो दोस्तों एक एक करके सभी खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें, भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने युद्ध अभ्यास किया शुरू, वहीं चीन से तनाव के बीच पाकिस्तान ने लद्दाख के नजदीक तैनात किए आज JF-17 फाइटर जेट, कभी भी कर सकते हैं दोनों ही देश भारत पर हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस वक्त के सबसे बड़ी और अहम खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत और चीन के बीच तनाव इस समय चरम पर है, और इसी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने आज से अपना युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है, जो भारत के लिए काफी चिंताजनक है। वहीं आपको बता दें कि भारत के खिलाफ अपनी युद्धक तैयारियों को मजबूती देने के लिए पाकिस्तान ने आज स्कर्दू एयरबेस पर JF-17 फाइटर जेट को तैनात किया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने LOC के पास स्थित अपने 4 एयरबेसों को भी हाई अलर्ट पर रखा है, जिसका सीधा संकेत है कि चीन और पाकिस्तान कभी भी भारतीय क्षेत्र पर हमला कर सकते हैं और भारत के लद्दाख के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा कर सकते हैं। और मोदी सरकार की इसी को लेकर अब मुश्किलें बढ़ गई कि एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी अब जो है युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि ये काफी बड़ी अपडेट है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तानी वायुसेना के एयरपोर्टों का काफी बड़ा महत्व है चीन के लिए, क्योंकि यहाँ से भारतीय क्षेत्र श्रीनगर और लेह की दूरी मात्र 200 किलोमीटर है, और यहाँ से अगर चीनी फाइटर जेट या पाकिस्तानी फाइटर जेट उड़ान भरते हैं तो मुश्किल से 5 मिनट में ये भारतीय वायु सीमा में प्रवेश करते हैं, जिसको लेकर ये चिंता भरी खबर मोदी सरकार के लिए है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कोरोना को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा 5 बार हनुमान चालीसा पाठ करने से भाग जाएगा देश से कोरोना। जय दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है, जहां दोस्तों आपको बता दें कि इस बार उन्होंने कोरोना वायरस को भगाने के लिए नया उपाय ढूंढा है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ करने से कोरोना देश से भाग जाएगा। उन्होंने लोगों से रोजाना पाठ करने की अपील की है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने ट्वीट करके लिखा कि आइए हम सब मिलकर कोरोना को समाप्त करने के लिए लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए एक आध्यात्मिक प्रयास करें। आज 25 से 5 अगस्त तक प्रतिदिन शाम 7 बजे अपने घरों में हनुमान चालीसा का पाठ 5 बार करें और 5 अगस्त को अनुष्ठान रामलला की आरती के साथ घरों में दीप जलाकर पूरे देश में रोशनी करें और दिवाली जैसा त्यौहार मनाएं। उन्होंने कहा कि अगर
हम जो है हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ करते हैं तो कोरोना देश से क्या अपने घर से और पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगा। तो ये काफी बड़ा दावा प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है। वहीं आपको बता दें कि ये वही हैं जिन्होंने गौमूत्र से कैंसर ठीक होने की बात कही थी, लेकिन पिछले दिनों ये अस्पताल में 3-4 महीने भर्ती रही थी और इनका इलाज चला था। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो दिल्ली हिंसा के दौरान पुलिस कर्मी पर पिस्तौल तानने वाले शाहरुख पठान को तिहाड़ जेल में लग रहा है डर, कहा मेरी जान को है जेल में खतरा। जी दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा के दौरान 24 फरवरी को कथित तौर पर पुलिस कर्मी पर पिस्तौल तानने वाले शाहरुख पठान को अब जेल में डर लग रहा है और उसने अपनी जान को खतरा बताया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि शाहरुख पठान ने कटकटूमा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट से अपील की है कि सामान्य कैदियों के साथ उसे नहीं रखा जाए। याचिका में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं शाहरुख ने अपनी याचिका में कहा है कि ऐसी आशंकाएं कि अगर उसे किसी सामान्य कैदी के साथ रखा जाता है तो उसके साथ हर कोई अप्रिय घटना हो सकती है और उसकी जान को खतरा है। वहीं शाहरुख पठान वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ नंबर 4 की हाई रिस्क जेल नंबर 4 में बंद है। वहीं आपको बता दें कि उसने अपनी जान को खतरा बताया है। अब देखने की कोर्ट सुनवाई के दौरान क्या कुछ फैसला लेता है, क्या उसे सामान्य कैदियों के साथ रखा जाएगा या नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बीजेपी की बड़ी मुश्किलें। कांग्रेस पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ करेगी लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ अभियान के तहत सोमवार को राजभवनों के सामने धरना। जय दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान की सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा के खिलाफ संविधान एवं लोकतंत्र विरोधी कदमों के खिलाफ कांग्रेस 27 जुलाई को सभी प्रदेशों के राजभवनों के सामने धरना देगी। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी ये बयान दिया है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जिस तरह से संविधान और लोकतंत्र व्यवस्था की बुनियाद पर भाजपा द्वारा हमला किया जा रहा है और भाजपा लगातार संविधान का हनन कर रही है और अपने बल का इस्तेमाल कर प्रदेशों में विधायकों को खरीद कर कांग्रेस की सरकारों को गिरा रही है। वहीं उन्होंने कहा है कि ये जो है भाजपा असंवैधानिक संस्थाओं का भी दुरुपयोग कर रही है और खरीद फरोख्त के दम पर लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी हुई सरकारों को गिराना आज उसके लिए सामान्य बात हो चुकी है और इसी के खिलाफ वह पूरे देश में संविधान एवं लोकतंत्र बचाओ बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के तहत एक अभियान चलाएगी, तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, कहा योगी ने बना दिया है उत्तर प्रदेश को गुंडा राज। यहां दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में अपराधों की बढ़ोतरी भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि बताते हुए कहा कि राज्य में संवैधानिक संकट के कारण राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। वहीं राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हुए अखिलेश यादव ने अपना बयान जारी कर कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों का खूनी खेल जारी है। सत्ता संरक्षित समाजी विरोधी तत्वों को किसी का डर नहीं है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में हत्या लूट अपहरण दुष्कर्म की घटनाएं की सूचना न आती हो। प्रदेश में कानून का राज नहीं है, अब गुंडा राज हो गया है और इसी को देखते हुए राज्य में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और उत्तर प्रदेश में अब राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है। वहीं आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने भी कोरोना महामारी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है और उन्होंने चिट्ठी लिखकर योगी सरकार से कहा कि कोरोना से नहीं बल्कि लोगों को योगी सरकार से डर लगने लगा है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखा है। प्रियंका गांधी ने लिखा कि लगता है कि आपकी सरकार ने नो टेस्ट नो कोरोना को मंत्र मानकर लो टेस्टिंग की पॉलिसी अपना रखी है। प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ को लिखे लेटर में कहा है कि यूपी में प्रत्येक दिन कोरोना के 2500 से 3000 केस लगभग आ रहे हैं और मामले इतने बढ़ गए हैं कि स्थिति बेहद ही चिंताजनक है। ऐसे में योगी सरकार कोरोना रोकने में विफल हुई है, लेकिन योगी सरकार को अब जो है कोरोना से नहीं बल्कि योगी सरकार से ही लोगों को डर लगने लगा है। लेकिन योगी सरकार कोरोना को रोकने में विफलता को छिपाने के लिए राम मंदिर को राग अलाप रही है और राम मंदिर निर्माण में जुट गई है, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोरोना को रोकना चाहिए और प्रदेशवासियों की जिंदगी बचानी चाहिए, लेकिन वह ऐसा ना करके राम मंदिर निर्माण में लगे हुए हैं और प्रदेश की उन्हें कोई चिंता नहीं है। तो ये काफी बड़ा हमला बोला गया है प्रियंका गांधी की तरफ से भी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो चीन की सहपन नेपाल
फिलहाल बना रहा है बॉर्डर पर चौकी, तैनात रहेगी 24 घंटा भारत के खिलाफ नेपाली सेना। जी दोस्तों आपको बता दें, काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि चीन से मित्रता की पींगे बढ़ा रही मौजूदा नेपाल सरकार सीमा पर स्थायी हदबंदी की तैयारी में जुट गई है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना काल में लगे लॉकडाउन की आड़ में बलरामपुर जिले से सटी खुली भारतीय सीमा पर नेपाल ने बॉर्डर चौकी बनाने की कवायद तेज कर दी है और इसका ऐलान कर दिया। अब भारत के खिलाफ नेपाल ने बॉर्डर पर चौकी बनाने के लिए ऐलान कर दिया और यहां पर अब 24 घंटे भारत के खिलाफ बॉर्डर पर नेपाली सेना गश्त करेगी और मौजूद रहेगी, जहां इन चौकियों का निर्माण हर वक्त सेना तैनाती रखने की योजना के तहत किया जा रहा है। वहीं नेपाल के भदुआ व भदुआर में अस्थायी चौकी पहले से ही नेपाल की तरफ से बनी हुई है, जिसको भी स्थायी चौकी बनाने का नेपाल ने ऐलान कर दिया। तो किस तरह से अब भारत के खिलाफ नेपाल भी कड़े रुख में है और चीन के साथ मिलकर नेपाल भारत के साथ कभी भी युद्ध जैसे हालातों का फायदा उठा सकता है, तो ये काफी चिंता भरी खबर है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को दी आज सीधी चेतावनी, कहा मेरी सरकार गिरानी है तो गिराओ, फिर देखता हूँ। जहाँ दोस्तों आपको बता दे कि राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच एक इंटरव्यू में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जिस किसी को भी महाराष्ट्र में मेरी सरकार गिरानी है वो गिराए, मैं अभी देखता हूँ। उन्होंने कहा है कि इंतजार किसका है, अब सरकार गिराओ। सरकार तीन पहियों वाली है लेकिन वह गरीबों का बहाने है। आगे उन्होंने कहा पर स्टीयरिंग मेरे ही हाथ में है, बुलेट ट्रेन या रिक्शा में चुनाव करना पड़ा तो मैं रिक्शा ही चुनूंगा। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं गरीबों के साथ खड़ा रहूंगा और बीजेपी जो साजिश राजस्थान में रच रही है वह महाराष्ट्र में भी रच रही है, लेकिन अगर उनमें दम है तो वह मेरी सरकार गिरा के दिखाएं। तो ये काफी बड़ी चेतावनी आज उद्धव ठाकरे ने सीधी बीजेपी को दे दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो डॉक्टर कफील खान की रिहाई में है बीजेपी का बड़ा हाथ, इसलिए नहीं हो रही है उत्तर प्रदेश में जेल से कफील खान की रिहाई। जहां दोस्तों आपको बता दें कि 3 साल पहले गोरखपुर में वीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत के मामले से चर्चा में आए डॉक्टर कफील खान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने और नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने के मामले में पिछले 6 महीने से जेल में बंद हैं। उन्हें CJM कोर्ट से जमानत भी मिल गई है, लेकिन रिहाई से पहले ही उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया गया। वहीं आपको बता दें कि कोर्ट का आदेश है कि जब किसी भी व्यक्ति को कोर्ट से जमानत मिल जाती है उसके बाद उस पर किसी भी तरह का रसूखा या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नहीं लगाया जा सकता, लेकिन कोर्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए योगी सरकार ने जबरदस्ती जमानत मिलने के बाद उन पर रसूखा लगा दिया, जो काफी चिंता भरी खबर है। और इससे साफ सामने निकल कर आती है बात की योगी सरकार नहीं चाहती कि डॉक्टर कफील खान जेल से बाहर निकल कर आए, और इसीलिए डॉक्टर कफील खान की रिहाई में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा हाथ है और बड़ी भूमिका है, इससे साफ हो रहा है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है कि योगी सरकार नहीं निकलने दे रही कफील खान को, इसीलिए नहीं तो अब तक कफील खान बाहर आ जाते। तली को वापस लिया जाए, इनको दोबारा इस ऐवान में आकर